एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अम्बाला के अलग अलग स्लम क्षेत्र में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स एवं उनकी टीम द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उन्हें दवाइयां भी दी जा रही हैं। इसी को लेकर एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अम्बाला छावनी के स्लम क्षेत्र देहा कॉलोनी में आज विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सिविल अस्पताल के डॉक्टर और उनकी टीम द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी दी गई। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा देश को एनीमिया मुक्त करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम खासकर स्लम एरिया में जाकर गर्भवती महिलाएं व छोटे बच्चों की जांच कर रही हैं और किसी तरह की कमी पाई जाने पर उनका इलाज कर रही हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है। स्थानीय लोगों ने सरकार की इस योजना का जमकर लाभ उठाया। सिविल अस्पताल के डॉक्टर जोगिंदर सिंह ने बताया कि जिन बच्चों को एनीमिया की शिकायत नजर आती है, खासकर ऐसे बच्चों में खून की कमी को जांचने के लिए ये शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी में खून की कमी मिलती है तो तुरंत उसका इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की बेहतरीन योजना है। उन्होंने कहा कि हम लगातार ये शिविर लगा रहे हैं। पिछले कई सालों से इस तरह के एरिया में हम लोग आते हैं और इस बार हमने यहाँ एनीमिया कैंप लगाया, जिसमें आप देख पा रहे काफ़ी लोग बैठे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जिनका हम HB कर रहे हैं और जिसका खून कम है उसे हम दवाई भी दे रहे हैं। ये अभियान देश भर में चल रहा है, खास करके हरियाणा में, हरियाणा प्रांत में अगर देखा जाए तो ये बड़ा चढ़ के चल रहा है। और इसकी जो संभावना ये भी है कि अगर खून पूरा होगा किसी इंसान का तो उसको बीमार हो कम होने की संभावना है, उसका मेंटल एटीट्यूड ठीक रहेगा और वो स्वस्थ जीवन जिएगा। जी, मेडिसिन भी दी जा रही है और लगभग ये पूरे महीने चलने वाला कैंप है। और इस कैंप में हम पहले HB करते हैं, जिसका भी कम मिलता है वो 3 फ्रेगमेंट में है, जिसका 4-5 के करीब है उसे हम अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल में ले जाके BT यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवा रहे हैं। कल भी एक बच्चे का हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया। देखिए, हम इसको डेली चेंज करेंगे, स्लम एरिया में खास करके अंडर प्रिविलेज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर जहाँ है वहाँ हम ये ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, एक आदमी जो स्वस्थ है वो देश के लिए एक एसेट बन जाता है, वो काम करता है, वो प्रोडक्टिव काम करता है और वो देश के लिए अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाता है और उसमें GDP में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन जब एक इंसान बीमार होता है तो कोई काम नहीं कर पाता और काम ना करने की वजह से वो लायबिलिटी बन जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं जिन बच्चों का खून कम है तो पहले कारण देखते हैं, फिर उन्हें टैबलेट देते हैं ताकि एक स्वस्थ जीवन जी पाए। अच्छा, जिसका खून होगा, HB ठीक होगा, वो अच्छे से पढ़ेगा और एक अच्छा जीवन जिएगा।